वेलकम बैक टू राजन शिवानी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं एंड होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है, सुबह सुबह ये पसीना, मतलब ये 8 बजे 8:30 बजे ये हाल है कि सुबह उठो तो लगता है कि जैसे कि दोपहर हो गया हुआ है। एकदम धूप चारों तरफ, पसीना चारों तरफ। तो सुबह सुबह आज हमारे यहाँ खाने में जो है, हमारी रसोई में क्या बन रही है वो हम आपको दिखाते हैं। है ये सिंपल सी आलू परवल और ये गोभी। ये जो गोभी छोटा सा दो दिख रहा है, ये गेस्ट अपीयरेंस आज दे रहा है हमारी सब्जी में, जो कि हमारे फ्रिज में कुछ दिनों से पड़ा हुआ था। तो बस ये दो गोभी था तो हमने ये गोभी से डाल दिया। ये सोयाबीन मैंने कुछ भिगो के रखे थे पहले से, उसको मैंने हल्का सा भून लिया तेल में। और ये 4 बॉयल आलू 5 बॉयल आलू है। तो आज हम बनाएंगे आलू सोयाबीन परवल विद गेस्ट अपीयरेंस गोभी की सब्जी। और इस पर मैंने चढ़ा दिया खिचड़ी निशान के लिए। और इधर दूध गर्म हो रहा है। क्या सब बना रहे हो आज सुबह सुबह? सुबह है, 9 बज गया है। अब क्या कहते हैं हमारे लिए तो आज सुबह हुआ, तंगा लेट उठे हैं हम। आलू परवल और सोयाबीन की सब्जी है। ओहो, तो ये हमने परवल भून लिया है, सोयाबीन भून लिया है, आलू को भी उबाल के थोड़ा सा भून लिया है। अभी प्याज काटे हैं और इसमें लहसुन और मिर्ची है जिसको हम थूर रहे हैं। नहीं नहीं, थूर दीजिए उसको। सब्जी बनेगी फिर खाएंगे। और इसका खिचड़ी तैयार है, इसको खिचड़ी खिलाना है। बालबोध, ये हमारा बालबोध है। इसका खिचड़ी तैयार हो गया सुन के एकदम खुश हो गया है। अच्छा देखो, मुंह पे एकदम जो है पढ़ाई लिखाई सब कर लिया है, स्केच एकदम लेके ही घूमता है लड़का, बहुत पढ़ाकू होगा। ये देखिए इसके हाथ में, देखिए स्केच अभी भी रखे हुआ है, जहाँ मौका मिला कि वहाँ सीधे जो है सो उसमें कुछ लिख देता है, पढ़ देता है। भगवान, तेल में मेरा कूटा हुआ मिर्ची और लहसुन, और पहले मैंने जीरा और लाल मिर्च डाल लिया था, इसमें हमने कूट लिया है। ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और उसके बाद सबको डाल के भून देंगे। और टमाटर उसके बाद हम लास्ट में रखेंगे, पहले भी डालते हैं बट लास्ट में। जो वो कटा कटा सा टमाटर बाद में रहता है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, और घर में भी लोगों को वैसे ही ज़्यादा पसंद है, तो वैसे बनाएंगे। मैंने सारे मसाले को एक साथ इस कटोरी में रख लिया, नमक हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला जो भी। और उसके बाद इसमें पानी रख के इसमें हम मिक्स करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो अभी सबका नाश्ता पानी डन हो गया है। नाश्ता पानी करके ख़त्म, फिर जो है मैंने थोड़ा सा किचन का साफ़ सफाई था वो साफ सफाई करके ख़त्म कर लिया। ये डाइनिंग टेबल पे सारा फैला हुआ था, सबको समेट लिया। उसके बाद सबका स्नान ध्यान करके दिशान को उसके पापा नहाए हैं, उसके बाद मैंने उसको दूध पिलाया और कपड़ा वपड़ा पहना के फिर उसको हमें सुला दिया। तो अभी सब लोग जो है सो रहे हैं, अभी दोपहर के बज रहे 1:15 और माँ भी स्कूल से आ गए हैं, तो सब लोग खा के नाश्ता वास्ता करके सो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अब दोपहर का लंच बनाने। लंच में आज जो है सब्जी है ही, बस दाल और चावल बनाना है। तो दाल मैंने वैसे ही बना लिया, अब उसका छौंका लगाना है। छौंका जीरा और लहसुन से छौंका लगा लेंगे और चावल बना लेंगे। तो जा रहे हैं हम अभी चावल बनाने।
देखिए मम्मी यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाहर में आज। पापा जी अभी गए थे घरे, घरे से लाए हैं बहुत सारा आम, कलकतिया सब भी है और थोड़ा बम्बई भी है, पकेगा कुछ दिन में। देखिए माता जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे नीचे बैठे। आइए जरा आपको हम क्लोज से दिखाते हैं। ये यहाँ से आम निकला, यहाँ देखिए आम का ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी अचार बनोगे मम्मी? माने और कोई काम धंधा ना है अपना सबके? काम करू ना अचार के बिजनेस से अपना सब खोल लेते घरे से आम है ये है तो अथी पेड़ पर लागल एक दो आदमी के हाँ धरे अचारे के ब्रांड व्रांड खोले न हो जे आइडिया कॉपी कर ले लोग वीडियो देखे वाला सब नहीं हो सर जी आप लोग नहीं कॉपी कीजिएगा। ठीक है तो बने रहिए वीडियो के साथ, आपको हम दिखाते हैं पूरा प्रोसेस अचार बनने का। अभी तो बस कट हुआ है, अब इसके बाद धो के कैसा मसाला सब रखाएगा वो सब आपको दिखाते हैं। अच्छा मसाला कब होगा? सो अभी रात के 10 बजने वाले हैं और बहुत जोरों की भूख लग रही है मुझे काम कर करके। और ये देखिए शिवानी खाना वाना रख रही है थोड़ा सा, आइए देखते हैं आज खाने में क्या है स्पेशल। स्पेशल नहीं है, नॉर्मल ही है। हाँ तो नॉर्मल ही बताइए, हर रोज स्पेशल तो नहीं होता ना घर पे, बट घर का खाना भी स्पेशल होता है बहुत लोगों के लिए। ये बात आप मतलब मैं तो कम से कम रिलेट कर पाता हूँ, मैं बहुत दिन बाहर रहा हूँ। आई होप जो बैचलर्स है मेनली जो बैचलर्स, बट फिर भी मतलब बहुत सारे लोग हैं गांव के जो बाहर जॉब करते हैं, उनको उनके लिए तो क्या ही बताएं यार, इतना महंगा ऊपर से और वो भी बाहर का खाना हर रोज, मतलब रात का खाना उसे भी सिंपल खाना चाहिए। राइट, कम खाना चाहिए, सिंपल खाना चाहिए। और खाने में आज रोटी आलू चना दाल की सब्जी, ये मूंग है। अच्छा कद्दू भी है ना उसमें? अच्छा कद्दू भी, और ये आलू नहीं है, ये कद्दू है। अच्छा कद्दू और चना दाल की सब्जी, ओके। और ये मूंग है बॉईल किया हुआ, इसमें ऊपर से प्याज कट करके रखा है हमने, और ये मिर्ची है और नींबू, नींबू निचोड़ के जो इसमें लगता है टेस्ट वाव, ओके। और ये जमीनी नींबू है जो कि इसका खुशबू बहुत, ओहो बहुत सुंदर। ये हमारे घर का जो है अपने पेड़ का पका हुआ आम है, क्या ही बताएं दशहरी है एक्चुअली, और बम्बई आम खाइए या आम खाइए आपको जैसे खाना है। ठीक है, आप भूख जोर से लग रहा है, अब इतना अच्छा आप थाली सजा दिए हैं, अब हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अब बाय बोल दीजिए आप सब लोगों को, वो लोग भी खाना खाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरह की वीडियो बनाएं। हम सोच रहे हैं कि रेगुलर वीडियो लाए बट नहीं हो पा रहा है कि क्या कंटेंट, रोज का रोज वही खाना पीना क्या दिखाएं, तो कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम रेगुलर वीडियो ला पाएंगे। कितनी बार सोचते हैं कि हम 30 डेज चैलेंज करें बट नहीं हो पा रहा है, तो सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।